The whole world is expecting her victory. So she'll be victorious, because when I said the word victory, you entered. Victory is entering. Yeah. BRS का गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, वो बंदा का कोई वोट अभी वैल्यू नहीं है, रेस में से निकाल दिया BRS कैंडिडेट को हम लोग। उसके ऊपर कन्विक्टेड केसेस था जो उसने एफिडेविट में नहीं लगाए, हम 4 दिन से लड़के बाहर कर दिए उसको। तो पूरे लोगों को बता दो, BRS को जो वोट कर रहा है वो बेकार में वोट कर रहा है, इतना भी तकलीफ मत देना, घर में बैठना नहीं तो आकर भाजपा को वोट दे देना। अब दूसरी खुशखबरी दे दूं, पूरे माइनॉरिटी के बूथ के लिए CRP अब मैदान में उतर रहा है। अभी मेरे जवानों, नौजवानों, जंग में लड़कर जमकर लड़ो, जीत भाजपा का है, कमल का है। और जो जो आगे बढ़ेंगे माइनॉरिटी बूथ पे बैठने के लिए, उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्राइजेस है हमारे तरफ से, कैंडिडेट के तरफ से। 7 लोकसभा पार्लियामेंटों में, 7 असेंबली पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज वोट्स लेके आएंगे, यानी कि 7 असेंबली इंटू 3, 21 जगहों पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज से उनकी नंबर लेके आएंगे। जीतने के बाद हर बूथ में से बूथ एजेंट, बूथ प्रेसिडेंट, बूथ कोऑर्डिनेटर 3, यानी कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से 9 लोग। इसके अलावा माइनॉरिटी बूथों के ऊपर भी 1, 2, 3, इनसे उनकी तुलना नहीं होगी, माइनॉरिटी के अलग ग्रेडिंग किया जाएगा। अगर महिला है 4थे नंबर पर तो कंसेशन उनको भी ले जाएंगे हम लोग। तो इन सारे लोगों को अपने खर्चे में दिल्ली लेकर जाएंगे हवाई जहाज पर। प्रधानमंत्री मोदी जी से हम विनती करेंगे कि वो आपका सम्मान करें। फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल, सेकंड प्राइज सिल्वर मेडल, थर्ड प्राइज ब्रॉन्ज मेडल प्रधानमंत्री जी के से उनके सम्मान करवाएंगे हम लोग। और 2 दिन दिल्ली में रहने की, खाना और रहने की व्यवस्था की जाएगी ये लोगों को, ताकि वो दिल्ली फिरे। और फिर फ्लाइट का खर्चा हमारा होगा हैदराबाद में आपको उतारने के लिए। अब हम देखेंगे किस प्रकार से जीत की झंडा आप लहराओगे और दिल्ली जाओगे। हम आपके साथ हैं और आखिरी दम तक आपके साथ ही रहेंगे। आप हमारे हनुमान हैं और इस रामायण में हम रावण का विनाश करेंगे। और जीत की जो झंडा है वो भाग्य लक्ष्मी के उनके कदम पर रखेंगे और उनसे कमल लेकर रामलला के पास लेके जाएंगे। कल हमको नेपाल से फोन आया था और वो कह रहे थे कि माँ आपके लिए हम जानकी मैया का हवन करवा रहे, यहाँ पर यज्ञ करवा रहे। तो मैंने पूछा कहीं आप मिथिला से तो नहीं, तो वो लोग कहे हाँ मिथिला नगर से है हम। नेपाल के मिथिला नगर से हमको फोन आया, जानकी मैया का हवन करवा रहे हमारे जीत के लिए, वो है राम बाण। यहाँ से जो राम तीर चला सीता मैया तक पहुंच गई है वो तीर। अब उनकी भी आशीर्वाद है हमारे साथ। पहली बार हुआ इतिहास में ऐसा कि सारा विश्व हमारे जीत के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये जीत ऐसी वैसी जीत नहीं, ये वो वैसी को ऐसी तैसी करने वाली जीत है। हर नौजवान इधर एक ही बात याद रखना पड़ेगा, सारे देश से हमारे प्रीतम नेता तमिल साई जी, समझ लीजिए गवर्नर का पद इतना बड़ा होता है, फिर भी उन्हें उसको त्याग कर तमिलनाडु गई हैं वो, वहाँ पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए उम्मीदवार के जैसा। तुरंत जैसे ही उनका कर्तव्य वहाँ पे हो गया, उन्होंने एकमात्र जगह चुना है, वो है हैदराबाद। ऐसा कश्मीर से हमारे मुसलमान बहन आई थी XMLC, यहाँ के स्त्रियों को कहने के लिए कि देना इनको वोट, ताकि आप करोगे तरक्की जीवन में। मैं वही माइनॉरिटी मोर्चा का मुस्लिम औरतों का मैं मीटिंग करके आ रही हूँ, मैं हर जगह जीत की उम्मीद है। सारे मुसलमान भाई भी हमारे तरफ देख रहे हैं कि कैसा हम प्यार का हाथ उनके तरफ आगे करेंगे। मोदी भाई का जो सबका साथ सबका विकास है, पहली बार उसका विकास का कवल हैदराबाद में खिलने वाला है। अभी तो विकास के बातें नहीं करता है, बातें बकवास का, ऐसी की तैसी वो वैसी घर भिजा दो उसको, मैं बताऊंगा। हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत गए हैं, हम होंगे कामयाब आज से, और कामयाबी हमको आ गई है। लेकिन इस जोश में घर जाके सोना नहीं, क्योंकि फिर भी हम सबको परीक्षा देना पड़ेगा, और परीक्षा में 13 तारीख को है, और हम सबको जून 4 तारीख शाम में दिवाली भी मनाना है, होली भी मनाना है, और जीत की चैत्र यात्रा निकालना है। ऐसी यात्रा जो इतिहास के पन्नों में सुवर्णाक्षर में लिखना चाहिए, ऐसा एक जीत की यात्रा निकालने वाले हैं। जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कैंडिडेट माधवी लता सिंह को। अभी जनगण से हम शुरू करेंगे। जिला अध्यक्ष